स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं हूं अभी दिल्ली के मशहूर चांदनी चौक पे। तो चलिए आज घूमते हैं चांदनी चौक पे, मगर घूमने से पहले एक नज़र डालते हैं चांदनी चौक के इतिहास पे। चांदनी चौक का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। यह बाजार लाल किले के पास स्थित है। इसे शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम ने डिजाइन किया था। चांदनी चौक का नाम यहां स्थित एक चौड़ी सड़क से लिया गया, जो पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में चमकती थी। इस सड़क के बीचों बीच एक पानी की नहर भी थी, जो अब नहीं है। हाँ जी, तो ये है मेरे पीछे लाल किले का मेट्रो स्टेशन, जिससे आप सीधे चांदनी चौक मार्केट में प्रवेश करेंगे। मेट्रो से जब आप मार्केट में प्रवेश करेंगे तो आपको सामने दिखेगा लाहौरी गेट, और यहीं से शुरू होता है शानदार चांदनी चौक। अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आते हैं स्पीच के लिए, तो उनकी तैयारियाँ चल रही है। ये है चांदनी चौक का स्ट्रीट। स्ट्रीट के दोनों तरफ काफ़ी बड़ा मार्केट है। ये है यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जो बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पे आपको सस्ते से लेके महंगे तक इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आपको सस्ते से लेके महंगे तक हर इलेक्ट्रॉनिक्स की सामानें मिल जाएगी, बस आपको यहाँ पे कुछ दुकानदारों से सावधान रहना है। तो अभी हम राइट साइड गए थे, तो अब चलते हैं इधर लेफ्ट साइड में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि उस तरफ आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट दिखेंगे और इस तरफ कपड़े जूते वगैरह के जो शॉप हैं वो आप देख सकते हैं। अभी चांदनी चौक घूमने के लिए आएँ तो कभी भी यहाँ के स्ट्रीट फूड के स्वाद को मिस ना करें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत कि लोग किस तरह से यहाँ के स्ट्रीट फूड को प्यार करते हैं और खाते हैं। ये देखिए भाइयों, लोग किस तरह से खाने का लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ गर्मी भी काफ़ी है, तो जब भी आइए स्ट्रीट फूड का स्वाद ज़रूर लीजिए। तो चलिए, अब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को घूमने के बाद अब हम चलेंगे जो लेफ़्ट साइड में कपड़ों की शॉपिंग होती है, जहाँ वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाइयों, स्वागत है आप सभी का चांदनी चौक के लेफ्ट साइड वाले स्ट्रीट पे, जिस तरफ आपको सस्ते से लेके महंगे कपड़े मिलेंगे। जैसे कि ये देखिए, लहंगा, चुनरी, जो भी होती है, खास करके जो लड़कियों के और दुल्हनों के कपड़े होते हैं। ये देखिए आपको मेकअप, चूड़ियाँ, साड़ी, सूट, लहंगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। और ये स्ट्रीट भी काफ़ी लंबा है, तो हम अभी आगे आगे चलेंगे और आपको भी। भाइयों, घूमते घूमते चांदनी चौक पे बारिश शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। तो अब इंतज़ार करते हैं बारिश रुकने का और फिर आगे की जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे। ये कैसी बारिश है, धूप भी निकल रही है ये देखो, और बारिश भी हो रही है। काफ़ी सुंदर लग रहा है अभी देखने में यहाँ तो। भाई साहब, बारिश के बाद काफ़ी अच्छा माहौल हो गया है। आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट जो है वो ऐसे चमक सी रही है बारिश होने के बाद। और जब आप थोड़ा आगे आएंगे तो आपको दिखेगा गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। जी हाँ, इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है कि किस तरह से हमारे गुरुओं ने भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है। तो जब भी यहाँ आइए तो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब को ज़रूर विज़िट कीजिए। शीशगंज गुरुद्वारे का निर्माण सिखों के 9वें गुरु
गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की याद में किया गया था। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सन 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से शहीद कर दिया गया था। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से थोड़ा और आगे आने पे आपको अपने राइट साइड में एक गली दिखेगी, जे वाली गली, जो आपको चांदनी चौक मेट्रो तक लेकर जाएगी। यहाँ से आप सीधे आगे जाके लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे तो चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। तो बारिश के बाद काफ़ी सुहाना मौसम हो गया, गर्मी भी कम हो गई है और शाम भी हो रही है, जिसके कारण चांदनी चौक में चहल पहल बढ़ रही है। तो चलिए आपके लिए कुछ बढ़िया बढ़िया शॉट्स लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चांदनी चौक अपने टेस्टी टेस्टी फूड के लिए भी जाना जाता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे जगह जगह ऐसे छोटी छोटी दुकानें दिखेंगी और उसके सामने खाते हुए लोग दिखेंगे। तो आप जब भी आइए यहाँ के फूड को ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो भाइयों, चांदनी चौक का जो खाना है वो इतना पॉपुलर है कि यहाँ की एक गली है जिसका नाम है पराठे वाली गली। तो चलिए हम भी पराठे वाली गली में जाके देखते हैं कि कैसे कैसे फूड और कैसे कैसे पराठे वहाँ मिलते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे पराठे वाली गली में। वाह भाई, क्या खुशबू आ रही है खाने की, मज़ा आ गया। ये देखिए, इस गली में तो हर तरफ खाने पीने की चीज़ें ही हैं। देखिए आप यहाँ की गलियों में जितना अंदर जाएंगे उतना खोते चले जाएंगे। तो आइए और अच्छे से विज़िट कीजिए इसे। तो भाइयों, कैसा लग रहा है आप लोगों को ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी घूमते घूमते आई डोंट नो मैं भी कौन सी गली में पहुंच गया, अभी बाहर निकल के आप सबसे मिलते हैं। तो भैया, वापस जब मैं निकल रहा था गली से तो जो खाने की खुशबू है उसने मुझे अपने तरफ खींच ही लिया। तो अब मैं भी कुछ खाता हूँ, फिर स्वाद बताऊँगा आप सबको और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो भाइयों, खा के मैं बाहर निकल गया, भैया ने मना किया वीडियो बनाने से, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी खाने की। बाकी ठीक है, तो ऐसा है कुछ चांदनी चौक। तो अब हम आज के इस जर्नी को यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप भी आइए, घूमिए चांदनी चौक और मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में।